आज हम लोग रिलेशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन आखिर होता क्या है और ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन का मतलब संबंध के प्रकार। हम लोग रिलेशन के बारे में तो समझते ही हैं, जानते ही हैं कि रिलेशन होता क्या है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहला रिलेशन आता है हमारे सामने वो है एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कहिए या वॉइड रिलेशन कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। हिंदी में इसे रिक्त संबंध कहा जाता है। ये एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध क्या होता है जरा इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई अपना एक समुच्चय दिया हुआ है, कोई अपना एक सेट दिया हुआ है। इस सेट में हमने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3, 4। हमने एक सेट लिया, सेट में हमने एलिमेंट्स लिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन जो है हम इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि रिलेशन जो है अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म ए और बी के रूप में आ रहा है, जहाँ पर कंडीशन ये है कि ए प्लस बी जो है ये 10 आना चाहिए। और ये ए और बी जो है कहाँ से मिलेगा, ये ए और बी जो है हमें ए से मिलेगा। यानी ए जो हमारा सेट है, इस सेट में ये जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स में से हम किसी दो एलिमेंट को चुनने वाले हैं। इन दो एलिमेंट्स को जो हम चुनेंगे वो हमारा ए और बी बनेगा। और हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, उस रिलेशन का जो कंडीशन है वो ये है कि हम जिसको भी ए और बी लेने वाले हैं उन दोनों का सम 10 आना चाहिए। आप जरा यहाँ पर इस रिलेशन, इस सेट के एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या इन सभी एलिमेंट्स में से हम कोई भी दो एलिमेंट लेकर उसे ऐड करके क्या 10 ला सकते हैं? आप यहाँ से किसी भी दो एलिमेंट को ले लीजिए, चाहिए तो एक ही एलिमेंट को दो बार रिपीट भी कर लीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार से आप दो एलिमेंट को लेकर उसे ऐड करके 10 नहीं ला सकते। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हम जो इसमें से किसी भी एलिमेंट को लेकर अगर हम ऐड करके 10 नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। एक भी एलिमेंट इस रिलेशन में तो आएगा ही नहीं। अगर इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो हम इस तरह के रिलेशन को कहते हैं कि ये अपने आप में एम्प्टी रिलेशन है, ये अपने आप में वॉइड रिलेशन है। यानी ये संबंध जो है अपने आप में एक प्रकार का रिक्त संबंध कहलाता है। एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध दरअसल होता यही है। क्या कि इस रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में अगर कोई भी एलिमेंट ही नहीं रहे, उसके कोई अवयव आए ही नहीं, तो इस तरह के रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे अपन, तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है ए रिलेशन इज सेड टू बी एम्प्टी
रिलेशन ऑन सेट ए इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ सेट ए। कोई रिलेशन अपने आप में एम्प्टी रिलेशन कहलाता है यदि उस सेट के किसी भी एलिमेंट को हम किसी और एलिमेंट उसी सेट के किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर पाए, उसको हम किसी एक समुच्चय के किसी भी अवयव को उसी समुच्चय के किसी अन्य अवयव के साथ अगर हम कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाए तो इस तरह के रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन के बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर में यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन को हिंदी में सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन हिंदी में से हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक सेट ए लिया। इस सेट ए में हम क्या ले रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को हमने सेट ए लिया है कि हमारा सेट ए जो है वो क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का सेट है। अब इस क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स में चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो, आर्ट्स स्ट्रीम का हो, हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, सारे मीडियम सभी बच्चे जो क्लास 12th में हैं आपके स्कूल में, आपके स्कूल में जो क्लास 12th में बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हमने एक सेट ए में ले लिया। और इसके बाद हम यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। और इस रिलेशन में चूँकि रिलेशन जो है अपने आप में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा और यहाँ पर ए और बी जो है वो स्टूडेंट्स हैं कहाँ के, सेट ए के। इस ए और बी में जो हम संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि इन दोनों में जो हम रिलेशन बता रहे हैं वो ये है कि द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 5 meters फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू ए। हमने सेट ए लिया, सेट ए में जितने भी आपके स्कूल के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को लिया गया। और इसके बाद एक रिलेशन डिफाइन किया गया। रिलेशन में ऐसा डिफाइन किया गया है कि इस रिलेशन में जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर में जिन दो स्टूडेंट्स को आप लेने वाले हैं इन दोनों स्टूडेंट्स की हाइट में, जिन दो स्टूडेंट्स को आप लेने वाले हैं उन दोनों स्टूडेंट्स की हाइट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 5 meters से कम हो। 5 meters, 5 meters से डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए। अब सोचिए 5 meters कितना होता है। आप अपने स्कूल के क्लास 12th में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। आप अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में या प्लेग्राउंड में सोचिए कि क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। उन सारे स्टूडेंट्स में आप किसी भी दो स्टूडेंट को ले लीजिए, किसी भी दो स्टूडेंट को लेकर उनके हाइट को मेजर करिए कितने लंबे हैं वो। और हो सकता है कि वो आपस में बराबर हों, हो सकता है बड़े छोटे हों।
बड़े छोटे हों या आपस में बराबर हो, हमें उनका हाइट का अंतर निकालना है, उनके हाइट का डिफरेंस निकालना है। ज़रूर उनके हाइट में कुछ डिफरेंस आएगा। अगर वो लोग बराबर भी रहे हाइट में तब उनके हाइट का डिफरेंस जीरो होगा, और अगर थोड़े बड़े छोटे हुए तो उनकी हाइट में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। ये अंतर 5 मीटर से कम होना चाहिए। आप अपना जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इस रिलेशन में आपने बोला है कि हम इस रिलेशन में उन स्टूडेंट्स को रखने वाले हैं जिनके हाइट्स में अंतर 5 मीटर से कम हो। अब सोचिए, सारे स्टूडेंट्स जिनको भी हाइट का आप डिफरेंस नापेंगे वो, बट ऑब्वियस सी बात है, 5 मीटर से कम ही आएगा। आपके स्कूल में कोई भी 2 स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनकी हाइट का अंतर 5 मीटर से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि 5 मीटर अपने आप में बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है 5 मीटर। उतना डिफरेंस किसी 2 स्टूडेंट के हाइट में हो ही नहीं सकता। कहने का भावार्थ ये कि आपका जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में आपके क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, यानी सब जो है हमारे इस रिलेशन का हिस्सा बनेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी 2 स्टूडेंट के हाइट का अंतर 5 मीटर से कम ही होगा। और हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है वो यही किया है कि इस रिलेशन के हिसाब से हम उन स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं जिनकी हाइट का अंतर 5 मीटर से कम हो। तो यहाँ पर सभी के हाइट का अंतर 5 मीटर से कम है तो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स इस वाले ग्रुप में या इस रिलेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन को समझने का प्रयास करिए। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध हम उसको कहते हैं कि आपके सेट का हर एक एलिमेंट उसी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, एक भी एलिमेंट छूटने नहीं पाए, सब रिलेटेड हों, सारे के सारे उस रिलेशन का हिस्सा हों। एम्प्टी रिलेशन में क्या था कि आपने जो भी अपना सेट लिया है वो सेट का कोई भी एलिमेंट उसके किसी अन्य एलिमेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा था किसी में। और यहाँ पर आपने जो 2 एलिमेंट लिए हैं ये इस सेट के लिए हैं जिसमें आपका ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर सारे के सारे, अगर हम जिस सेट की बात कर रहे हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट, इस समुच्चय के सारे अवयव अगर इस रिलेशन का भी हिस्सा बन जाएं, तो इस तरह के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यानी यहाँ पर सारे चीज़ आ जाते हैं, कोई छूटता नहीं है। बस यही है एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में हम कोई रिलेशन ही नहीं बता पा रहे हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा है कि आप सभी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बता पा रहे हैं। यानी यहाँ पर कोई भी आपका छूट नहीं रहा है, सभी जो है आपके उस रिलेशन का हिस्सा बन रहे हैं।